नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल आरएसपी द्वारा एक दिवसीय कच्चे इस्पात उत्पादन में तेरह हजार टन को पार करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल द्वारा तैयार उत्पादनों के प्रेषण में नए रिकॉर्ड दर्ज और रावकेला स्टील प्लांट का क्षेत्रीय स्तर का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट बीसरा ब्लॉक में प्रारंभ अब समाचार विस्तार से महारत्न कंपनी सेल की इकाई राउरकेला स्टील प्लांट आर ने एक दिवसीय कच्चे इस्पात उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है संयंत्र ने 3 जनवरी 2019 को एस एम वन और 2000 और एस एम टू से कच्चे इस्पात के तेरह टन का उत्पादन किया एक दिवसीय कच्चे इस्पात उत्पादन के लिए पहले का रिकॉर्ड बारह टन था जो 27 दिसंबर 2018 को हासिल किया गया था इस उल्लेखनीय प्रदर्शन में एस एम द्वारा काफ़ी हद तक योगदान दिया गया जिससे उक्त दिन कच्चे इस्पात के उच्चतम ग्यारह टन को छुआ एस एम ने भी एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में हीट के अपने पहले रिकॉर्ड में सुधार किया और उपरोक्त दिन में कुल 75 हीट का टैपिंग और कास्टिंग किया नई कैस्टर थ्री ने कच्चे इस्पात के अब तक के सबसे अधिक पाँच हजार एक सौ अड़तालीस टन भार को रिकॉर्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन में मदद की विशेष रूप से 27 दिसंबर 2018 को एस एम एस टू ने तिहत्तर हीट्स का टैपिंग करके एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में हीट्स दर्ज किया इसके अलावा एस एम एस टू विभाग ने ट्रैफिक और रॉ मटेरियल्स विभाग के सहयोग से 3 जनवरी 2019 को 204 वैगनों पुलिंग कर एक और उपलब्धि हासिल की जिससे एक वैगनों के पिछले रिकॉर्ड से आगे रहा आर के सीईओ श्री अश्विनी कुमार ने कार्यपालक निदेशक श्री गौतम बैनर्जी वर्क्स और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए कर्मी समूह को बधाई देने के लिए 4 जनवरी 2019 को स्टील मेल्टिंग शॉप टू विभाग का दौरा किया हाल की सफलता के लिए सामूहिक रूप से सराहना करते हुए श्री कुमार ने कहा कि एस एम कर्मी समूह में अभी भी अप्रयुक्त क्षमता है जिसे यदि पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो हम प्लांट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं उन्होंने उपकरणों की उचित देखभाल करने और सक्रिय रखरखाव का कड़ाई से पालन करने हेतु कर्मी समूह से आग्रह किया श्री बनर्जी ने भी विभाग के सभी निष्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए कर्मी समूह को भी बधाई दी। स्टील प्लांट के ट्रैफिक एवं रॉ मटीरियल दो हजार द्वारा दो लाख साठ हजार आठ सौ टन तैयार स्टील और स्लैब भेजकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है यह स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक है यह जुलाई 2018 माह के दो लाख चालीस हजार छः सौ चौबीस टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है आर के सीईओ श्री अश्विनी कुमार ने कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री गौतम बैनर्जी कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्रा महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एम के एल चांद एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीन जनवरी को विभाग का दौरा किया और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी सीईओ ने टी एंड आर एम कर्मी समूह के पहलों की सराहना करते हुए कहा कि टी एंड आर एम प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है और इसमें माल की लोडिंग और अनलोडिंग को बेहतर बनाने और रेलवे रेक अवरोध को कम करने डैमरेज को कम करने और कंपनी के लिए पर्याप्त बचत करने की काफ़ी गुंजाइश है उल्लेखनीय है कि रेल द्वारा भेजे गए सभी तैयार उत्पादों को पीपीसी विभाग के योजना अनुसार विभिन्न मिलों में लोड किए जाते हैं रेलवे आर के सभी मिल्स और पी, -पी के समन्वय से यह सफलता हासिल की जा सकी है गौरतलब है आरएसपी कर्मी समूह न केवल रैक अवरोध को नियंत्रित करने में नए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है बल्कि तेजी से परिवर्तित समय के लिए श्रेय भी अर्जित कर रहा है इस अवसर पर महाप्रबंधक टी एंड आर एम श्री पी के शतपति एवं टी एंड आर एम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे बिसरा ब्लॉक के चेंछरन गांव में 3 जनवरी को इस वर्ष का दूसरा क्षेत्रीय स्तर का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ उप महाप्रबंधक प्रभारी श्री सी एस आर श्री पी एम बेहरा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक श्री एस आर सुश्री मुनमुन मित्रा प्रबंधक सी एस आर श्री ए के परेड़ा और सी एस आर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे प्रारंभिक मैच भालूलता और चेंझरण की फुटबॉल टीमों के बीच खेला गया इसमें बिसरा ब्लॉक के बत्तीस टीमें भाग लेंगी इस खेल का समापन सात जनवरी को होगा जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए छह हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी रखा गया है रावकेला स्टील प्लांट के संरक्षण में इस पाँच दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन डुमरजोर के अनीता स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम सी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है फाइनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो राउरकेला में खेला जाएगा वहाँ अभी जोनल खेले जा रहे चारों पार्श्वांचल क्षेत्रों में से प्रत्येक के चैंपियंस और रनर अप्स भाग लेंगे समाचार समाप्त हुए नमस्कार